अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से इनफर्टिलिटी का इलाज करवाते हुए परेशान हो गए हैं? हर महीने अपनी सेविंग्स बचाकर आप अपना ट्रीटमेंट तो कराते हैं, लेकिन क्या कोई रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं? IUI IVF जैसे महंगे महंगे ट्रीटमेंट भी आपके फेल हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। पिछले 4 सालों में हीना हेल्थ ने हिट पे हिट टेस्टिमनीज दी है, जिसका प्रूफ आप हमारी टेस्टिमनीज में और कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमने माँ बाप के साथ बच्चों की पिक्स शेयर की है, हेल्दी बेबीज डिलीवर हुए हैं उनकी पिक्स शेयर की है। कुछ लोगों ने IUI IVF फेल होने के बाद कंसीव किया, तो किसी ने मेनोपॉज जैसी कंडीशन में कंसीव किया। जिन डॉक्टर्स ने पेशेंट को ला इलाज करार दे दिया था, ऐसे भी पेशेंट हमारे यहाँ से कंसीव करके गए हैं। आज आप ही की तरह एक ऐसी पेशेंट की टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको डॉक्टर ने ये कहा कि IVF के अलावा प्रेगनेंसी संभव नहीं है। पेशेंट काफ़ी चिंतित थी। पेशेंट का नाम आकांक्षा है, ये नोएडा की रहने वाली हैं। शादी को लगभग 3.5 साल हो गए थे। बढ़ती उम्र के कारण काफ़ी चिंतित थी कि कभी प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं। 30 साल इनकी उम्र है। PCOD का इनको प्रॉब्लम था, अंडे नहीं बनते थे, समय से फूटते नहीं थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी और PCOD के कारण पीरियड्स भी काफ़ी इरेगुलर थे। बिना मेडिसिन के पीरियड आते ही नहीं थे। काफ़ी कुछ ट्राई कर चुकी थी, लेकिन फिर भी 3.5 साल में इनको सफलता नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ हस्बैंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हस्बैंड के रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थे। आकांक्षा के केस में हमने दोनों हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट दिया ताकि जल्दी से जल्दी कोई बेस्ट रिजल्ट आ सके। फर्स्ट मंथ में आकांक्षा ने ट्रीटमेंट इतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, बट सेकेंड मंथ में जब इन्होंने ट्रीटमेंट ट्राई किया, विद इन 1 मंथ के अंदर आकांक्षा को गुड न्यूज़ मिली और उसकी मेडिकल रिपोर्ट मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आपको पता है हीना हेल्थ की टेस्टिमनी विद प्रूफ होती है, जो हम पिछले 4 सालों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसीलिए यही एक कारण है जो आप लोग इतना हम पे ट्रस्ट करते हैं। आइए मैं आपको आकांक्षा की टेस्टिमनी सुनाती हूँ विथ मेडिकल रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आकांक्षा है और मैं मेरी शादी को 3.5 साल हो चुके हैं और मैं लगभग 2.5 ईयर से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं आपकी टिप्स को फॉलो सही से नहीं कर पाई। लेकिन मैंने आपसे इस बार जब अपॉइंटमेंट ली थी अगस्त या फिर जुलाई के टाइम में ली थी, और मैं आपकी टिप्स पूरे मंथ सही से फॉलो इस बार भी नहीं कर पाई थी। आपने कस्टमाइज किट दी थी, उसके बाद मैंने सेकंड मंथ भी आपकी किट को, क्योंकि वो हाफ हाफ किट बची थी, तो मैंने उस अकॉर्डिंग हाफ मंथ ये यूज़ किया, हाफ मंथ फिर से नेक्स्ट मंथ में किया, और फिर नेक्स्ट मंथ ही मुझे रिजल्ट्स मिले और आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ यू ओनली मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे PCOD का इशू था, मेरी एग क्वालिटी ठीक नहीं थी, अनओवुलेटरी साइकिल्स थी, मुझे पीरियड्स इरेगुलर थे, लेकिन आपकी वजह से मैं आज कंसीव कर पाई हूँ। आपकी टिप्स से, आपकी कस्टमाइज किट से, दीज आर वेरी इफेक्टिव। जिन लोगों को भी ये इशू आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इन मैम से कॉन्टेक्ट करें, वो आपकी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन कर देंगे। आकांक्षा को हमने ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया था, अब आपके माइंड में यही क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सबसे पहले हमने मॉर्निंग में आकांक्षा को ओवुलेशन बूस्टर दिया था ताकि इनकी ओवरीज नेचुरली स्टिमुलेट हो सके। आपको पता होगा PCOD में नेचुरल ओवुलेशन नहीं होता है। साथ ही में हमने इनको PCOD टी, सीड साइक्लिंग, जीव पुष्टि, हॉर्मोन ब्लैंड, फीमेल रेडसन सिरप और हस्बैंड को बीज पुष्टि और शोभांजना दिया था। साथ ही में वाइफ को PCOD क्योर भी दिया था ताकि PCOD के हॉर्मोन्स कंट्रोल में आ सके। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हस्बैंड को ट्रीटमेंट क्यों दिया। देखिए, कंसीव करने के लिए दोनों का योगदान लगता है, चाहे हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल ही क्यों ना हो, हमें दोनों को ट्रीटमेंट देना होता है ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ सके। कुछ योगा आसन भी इनको शेयर किए जिससे इनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सके और 1 मंथ के अंदर ही आकांक्षा ने नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की। आपके साथ एक टेस्टिमनी और शेयर करती हूँ, जहाँ पे पेशेंट ने
7 ईयर्स में पहली बार कंसीव किया पीसीओडी क्योर यूज़ करके, ओनली 20 डेज। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीसीओडी क्योर अमेजिंग है पीसीओडी पेशेंट के लिए, जो भी कंसीव करना चाहते हैं, जो पीसीओडी से लड़ रहे हैं, पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा है, ऑन टाइम पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग पीसीओडी क्योर ज़रूर यूज़ करिए। अगर आपको पीसीओडी के साथ में ओवुलेशन ना होने का प्रॉब्लम है, तो आप पीसीओडी क्योर के साथ ओवुलेशन बूस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके भी काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं जिनको ओवुलेशन नहीं होता है, यह हम उनको हाईली रिकमेंड करते हैं। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको परचेस करने का बाइंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप हमारी साइट से जाके से परचेस कर सकते हैं। इससे पहले आकांक्षा काफ़ी सिरप्स ट्राई कर चुकी थी, इसलिए हमने इस बार आकांक्षा को फीमेल रेडसन सिरप दिया। 1 मंथ में इनको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाए क्योंकि इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं फॉलो किया, बट 2nd मंथ में जब इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट फॉलो किया तो 1 मंथ के अंदर ही इनको रिजल्ट्स मिल गए। तो जिनको भी इरेगुलर पीरियड का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारी सिरप्स मैं सजेस्ट करती हूँ, जैसे अशोका रिस सिरप हो गई, एंटोटोन सिरप हो गया, ईव केयर सिरप हो गया, उनमें से ही एक सिरप है फीमेल रेडसन सिरप, जो आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसको लेना कैसे है, इस सिरप को आपको 2 चम्मच 1 कप लुकवॉर्म वाटर के अंदर मिक्स करके 1 आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 1 आफ्टर डिनर लेना है, पीरियड के 5वें दिन से पूरे महीने तक। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा पीरियड को रेगुलर करने में और कंसीव करने में। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें आपसे पर्सनली मिलना है और आपसे ट्रीटमेंट करवाना है, तो हम कहाँ आ सकते हैं? तो हम मुंबई अंधेरी वेस्ट में बैठते हैं। अगर आप आके हमसे मिलना चाहते हैं और पर्सनली ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आई वांट ऑफलाइन अपॉइंटमेंट। आपके अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पे आके आप हमसे मिल सकते हैं, या फिर आप हमसे बहुत दूर रहते हैं, आप ऑफलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी भी रखी गई है। आप इस ईमेल आईडी पे या इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए आई वांट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जानकारी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट अब दोनों ही ओपन हैं आप लोगों के लिए, और हम आप लोगों के लिए अवेलेबल है अंधेरी वेस्ट मुंबई में, ताकि हम आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके। आई होप आपको ये फैसिलिटीज काफ़ी पसंद आई होगी और अब आप लोग हमसे फेस टू फेस आके भी मिलकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आकांक्षा की टेस्टिमनी आपको कैसे इंस्पायर की, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो और भी आगे जा सकता है और भी इनफर्टिलिटी महिलाओं की मदद कर सकता है। और अगर आप हमारे टिप्स को फॉलो करके या फर्टिलिटी किट को फॉलो करके कंसीव करते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।